नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से हैरान कर देने वाली खबर आई। यहां सरयू नदी के किनारे बसे सिसौड़ा गांव के कुछ लोग वैक्सीनेशन के डर से नदी में कूद गए। कई लोग गांव छोड़कर ही भाग गए। घटना शनिवार की है, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां वैक्सीनेशन करने पहुंची। प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने लोगों को समझाया, तब जाकर नदी में कूदे लोग बाहर आए। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद गांव के कुल 18 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जी, आपको बता दें, गांव की आशा बहू सरिता बताती हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम देखकर एक साथ कई लोग गांव से भागकर सरयू नदी किनारे पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब सरयू किनारे पहुंची तो कई लोग नदी में ही कूद गए। बाहर निकलने पर लोगों ने कहा कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। बाराबंकी जिले के मुख्यालय से ये गांव 70 किलोमीटर दूर है। 1500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में शिक्षा की कमी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। यही कारण है कि शनिवार को जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन करने पहुंची तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिनसे बात करते वो भागने लगते। ग्रामीणों की नदी में छलांग मारता देख स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घबरा गए। वो ग्रामीणों को नदी से बाहर आने के लिए मनाने लगे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। सूचना SDM रामनगर राजीव शुक्ला और नोडल अधिकारी राहुल त्रिपाठी को दी गई। मौके पर पहुंचे दोनों अफसरों ने लोगों को माइक लेकर समझाया, तब जाकर लोग बाहर निकले। SDM का कहना है कि गांव में साक्षरता की कमी है, इसलिए लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। फिर भी लोगों को समझा कर हमने 18 लोगों को वैक्सीन लगवाई है, बाकियों को भी समझाने की कोशिश जारी है। रिपोर्ट IPN।